हम अभी तक जितने लोगों के विचारों को सुने उसमें संविधान की समस्याओं की जड़ पर किसी की उंगली अभी तक नहीं गई। हम संविधान की समस्या की जड़ को थोड़ा सा कुरेदेंगे, क्योंकि समस्या संविधान में नहीं है। संविधान जहां से निकल के आया है समस्या वहां पे। सबसे पहले यह देखिए कि संविधान बना किन परिस्थितियों में। द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, ब्रिटेन पूरी तरह तबाह हो चुका था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन कर लिया था, सेना का नहीं, आजाद हिंद सरकार का गठन कर लिया था, और उस सरकार को विश्व के 11 देशों ने मान्यता दे दी थी। आजाद हिंद सरकार ने एक अपना बैंक स्थापित कर दिया था, जिसने आजाद हिंद सरकार की मुद्राएं प्रकाशित करना शुरू कर दी थी। 40,000 लोगों को उन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज में भर्ती कर लिया था, और मोइरांग से इंफाल तक उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। यह परिस्थिति थी हमारे देश की। बंगाल का हर इंसान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वागत के लिए अपने दरवाजे पर हथियार लेके खड़ा था कि नेताजी की फौज आ जाए और मैं उसके साथ हिंदुस्तान के अंदर से अंग्रेजों को भगाने के लिए निकल पड़ूंगा। यह परिस्थिति थी हमारे देश। हमारे देश के अंदर फरवरी 1946 में नौसेना ने विद्रोह कर दिया था, अंग्रेज परस्ती से इंकार कर दिया था नौसेना ने। अप्रैल 1946 में ब्रिटिश इंडिया की पुलिस ने हड़ताल कर दी थी। जुलाई में डाक विभाग ने हड़ताल कर दी, जिस डाक विभाग के बड़े बड़े चर्चा अभी करके गए हैं, उस डाक विभाग ने अंग्रेज की दासिता से इंकार कर दिया था। उसने कहा था मैं नहीं मानता ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार को। रेल ने अगस्त 1946 में हड़ताल का नोटिस दे दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। 1964 में जब एटली, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो जब भारत आए और बंगाल के गवर्नर के राज्यपाल भवन में रुके, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को आजाद करना हमारी मजबूरी थी। इसके साथ बहुत लोग मेरे इस विचार से असहमत होंगे, लेकिन मैं फिर भी इस बात को कहता हूं कि भारत की आजादी का श्रेय किसी भी भारतीय नेता को नहीं जाता। भारत की आजादी का श्रेय एडोल्फ हिटलर को जाता है। अगर एडोल्फ हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त न कर दिया होता, तो आज भी ब्रिटेन की सरकार हमारे ऊपर शासन कर रही होती। एडोल्फ हिटलर ने अगर जापान को निर्देशित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद सरकार बनाने के लिए बाध्य न कर दिया होता, तो आज भी भारत के ऊपर ब्रिटिश का शासन होता। ये विश्व स्तरीय परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों में हमारा संविधान निकल के आया। कैबिनेट मिशन भेजा गया, उसने यहां पर आकर विभिन्न नेताओं से चर्चा की, बातचीत की, और जाकर रिपोर्ट सबमिट की उसने बाकायदे, कि भारत के अंदर एक नेहरू नहीं, एक ऐसा नेता है जो कमजोर व्यक्तित्व का है और उसको किसी भी महिला के माध्यम से पटाया जा सकता। रिपोर्ट सबमिट की, ब्लैक एंड व्हाइट में, वहां के पार्लियामेंट्री डिबेट में। और बस सिर्फ नेहरू को पटाने के लिए माउंटबेटन को इस्तेमाल किया गया। उस समय वो वर्मा ने लड़ाई कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उनको वहां से विड्रॉ किया गया, और बेबिन को यहां पर, जो कि इस समय यहां का वाइसराय था, उसको विड्रॉ करके माउंटबेटन को एडविना और उनकी बेटी पामेला, इन तीनों को भारत में तैनात किया गया। और एडविना को प्रोजेक्ट दिया गया कि 2 साल के अंदर बस हिंदुस्तान की तबाही का 2 साल के लिए तुम्हें मौका दिया जाता। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत का संविधान अंबेडकर जी ने बनाया। गलत है सूचना। भारत के संविधान निर्माण के लिए 6 कमेटियों का गठन किया गया था, और भारत का संविधान जो निर्मित होकर के आया, जो बाहर निकल के आया, वो भीमराव अंबेडकर की देन नहीं थी, जवाहरलाल नेहरू की देन थी। जवाहरलाल नेहरू ने जो कार्यकारिणी समिति का गठन किया, उस कार्यकारिणी समिति में उनके साथ में कौन कौन था? आसफ अली, के एम मुंशी, के टी शाह, के शांताराम, हुमायूं कबीर, डी आर गाडगिल।
इन सात लोगों ने मिल करके भारत के संविधान के प्रारूप को रचा था। डिबेट हो जाने के बाद अंबेडकर को दिया गया कि अब इसका फाइनल शेप आप बनाओगे, और जवाहरलाल नेहरू को अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं था, वो इस संविधान का प्रारूप एक ब्रिटिश विद्वान सर इगोर जेनिंग के माध्यम से तैयार कराना चाहते थे, लेकिन गांधी के विरोध पर उन्होंने इस संविधान को अपनी इस कमेटी के माध्यम से गठित किया, और मिस्टर बी एन राव ने 27 अक्टूबर 1947 को भारत के संविधान का प्रारंभिक प्रारूप रखा, जिसके अंदर 443 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। बात को इसी पर डिबेट हुई। हमारे यहां से कहा गया साहब भारत के संविधान में विश्व के बड़े बड़े देशों से बड़ी बड़ी चीजें ले ली गई, हमने सूचीबद्ध किया। संवैधानिक आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटेन से लिया गया जिसके हम गुलाम थे। मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, संघवाद में उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपदा, ये सब हमने अमेरिका के संविधान से लिया। अमेरिका का संविधान क्या है? ब्रिटिशर्स जिन्होंने जाकर के वहां से इनको फ्रांसीसी स्पेनिश को भगा दिया था, और यूरोपियों ने जाकर के वहां कब्जा कर लिया था। ये ब्रिटेन का ही तो उपनिवेश था अमेरिका, ब्रिटिश मानसिकता के लोगों ने ही तो स्पेनिश को अमेरिका से भगा करके वहां पर कब्जा कर लिया। अमेरिका का वास्तविक मूल निवासी जो रेड इंडियन था वो आज अमेरिका में नहीं है। तीसरा कनाडा, ब्रिटिश उपनिवेश। चौथा आयरलैंड, ब्रिटिश उपनिवेश। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश उपनिवेश। पश्चिम जर्मन, ब्रिटिश उपनिवेश। हमने कहा बाहर से ले लिया, हमने सब कुछ वहीं से लिया जैसा ब्रिटिश की सरकार चाहती थी। रही भारत के संविधान के अंदर की बात, तो मैं ये पूछता हूं संविधान की दुहाई देने वालों से कि भारत के संविधान में भारत को राष्ट्र कहकर के कहां संबोधित किया गया है, वह हमें आर्टिकल बताने का कृपा कर। 395 अनुच्छेद जो बढ़ के अब 444 अनुच्छेद हो गए, लेकिन इन 444 अनुच्छेदों में भी भारत को अभी भी राज्य का स्तर दिया गया नहीं। देने वाले अभी पहले यही तय करें कि भारत के संविधान में भारत को राष्ट्र कह के क्यों नहीं संबोधित किया गया। इसका सीधा साधा जवाब जो मैं समझता हूं कि आज भी भारत ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के दायरे में ब्रिटिश का उपनिवेश है, इसीलिए आज हम जापान में एम्बेसडर पोस्ट करते हैं, चाइना में एम्बेसडर पोस्ट करते हैं, रशिया में एम्बेसडर पोस्ट करते हैं, लेकिन ब्रिटेन में हाई कमिश्नर पोस्ट करते हैं। हम श्रीलंका में हाई कमिश्नर पोस्ट करते हैं, पाकिस्तान में जितनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनमें हिंदुस्तान का उच्चायुक्त पोस्ट किया जाता है, एम्बेसडर राजदूत नहीं पोस्ट किया जाता, क्योंकि हम ब्रिटिश के उपनिवेश हैं स्टिल टुडे। जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 3 सब क्लॉज 6 देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है भारत के अंदर जहां भी केंद्रीय सरकार के कानून लागू होंगे वो सब ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत माना जाएगा, साफ साफ लिखा है। स्टिल टुडे आज की जो आपकी नागरिकता अधिनियम है उसमें देखिए सेक्शन 10 सेक्शन 11 आप तो महारथी हैं पांडे जी इसके, उसमें साफ साफ लिखा है कि कॉमनवेल्थ कंट्री का कोई भी नागरिक उस नागरिकता के आधार पर भारत का अंदर कॉमनवेल्थ कंट्री की नागरिकता रखता है। आज तक हमारे भारत के संविधान में नागरिक शब्द को ही डिफाइन नहीं किया गया, नागरिक शब्द की ही डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अभी दीक्षित जी चर्चा करके गए हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, अरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इटसेल्फ लिखा हुआ है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज एस्टेब्लिश्ड एज बाय लॉ नॉट बाय द इंडियन पीपल। हमने बस सिर्फ संविधान को अंगीकृत किया है, आत्मसात किया है, जैसा मेरे ऊपर थोप दिया गया हमने स्वीकार कर लिया, और उसको स्वीकार करने वाले वो कौन से लोग थे? ये वो लोग थे जो ब्रिटिश परस्त थे। इन लोगों को हिंदुस्तान के आम आवाम ने कभी भी इस संविधान को स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं दिया था। मैं पूछता हूं कि एक संविधान बनाकर मैं ले आऊं और कहूं भारत में लागू कर दिया जाए तो क्या मेरे कहने से लागू हो जाएगा? नहीं लागू। उस संविधान के पीछे एक लीगल फोर्स होना चाहिए,
विधि की शक्ति होना चाहिए उस संविधान के पीछे, तब वह संविधान हमारे देश में लागू होगा। और भारत के संविधान के पीछे कौन सी विधि की शक्ति थी? वह लीगल फोर्स कहां है उस भारत के संविधान का? वह लीगल फोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। ये दोनों ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किए गए थे। भारत के संविधान के पास जो आज विधिक शक्ति है, वो विधिक शक्ति भारत के संविधान की देन नहीं है, भारत के लोगों की देन नहीं है, भारत की जनता की देन नहीं है, बल्कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा दी गई विधिक शक्ति है, जिस विधिक शक्ति के तहत आज ये सत्ता में बैठे हुए लोग हमारे ऊपर शासन करते हैं। हमारे यहां मंत्रियों का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, संसद के सदस्य होने की फिर भी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एक योग्यता होनी चाहिए, कुछ तो है, लेकिन मंत्री होने की कोई योग्यता हमारे संविधान के अंदर नहीं है। हम बहुत बेसिक प्रश्न एक खड़ा करते हैं, अगर हम इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत आज भी हमारे लोकसभा के अंदर दो अंग्रेजों को रखने की बाध्यता क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, दो अंग्रेज सांसद राष्ट्रपति नामित करेगा, रखेगा, उसके बिना पार्लियामेंट नहीं चलेगी। आज भी भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में जो 22 भाषाओं का वर्णन है, उसमें अंग्रेजी कहीं नहीं है, उसमें अंग्रेजी कहीं नहीं है। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं दी गई हैं, भारतीय भाषाएं, उनमें अंग्रेजी कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पार्लियामेंट, हमारी विधानसभाएं और हमारी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी सारी प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड इंग्लिश भाषा में रखने के लिए बाध्य, उसकी मजबूरी है, क्योंकि वह ब्रिटेन की राष्ट्रीय भाषा, आप उसके उपनिवेश हो, आपको रखना पड़ेगा। बहुत से ऐसी चीजें हैं, करीब 160 क्वेश्चन है मेरे इस संविधान को लेकर के। अब ये संविधान विशेषज्ञों के सामने ये जानना चाहता हूं कि हमारा देश संविधान से चलता है या संवैधानिक विधि से चलता है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि संविधान के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें नहीं है जो हमारे देश की सरकार को चला रही है, जैसे मंत्री का त्याग पत्र। संविधान विदों से मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री को त्याग पत्र देने का अधिकार है, जैसे कि बिना सदन की सदस्यता के प्रधानमंत्री बना देना, किस अनुच्छेद में यह अधिकार, जैसे कि मंत्री का सदन के अंदर बैठकर मत देना, लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, इसकी खिचड़ी कैसे बना दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां प्रोविजन है कि मंत्री सदन के अंदर बैठ करके सांसदों के साथ मत देगा और बिल पास कर देगा? जैसे कि न्यायमूर्ति और न्यायाधिपतियों की नियुक्तियों में लॉ मिनिस्टर का हस्तक्षेप, जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, राष्ट्रपति और सीजेआई मिलकर के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट प्रोविजन है, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस और लॉ मिनिस्टर हाउस फाइल जाने और उनकी अप्रूवल की क्या जरूरत पड़ती है? इसका मतलब है कि आप कार्यपालिका के अधीन न्यायपालिका को रखना चाहते हैं? उप प्रधानमंत्री 2 बार हुए हमारे यहां, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां व्यवस्था है भाई कि उप प्रधानमंत्री का पद होगा और उसके लिए भी आदमी रखा जा सकता है? राजनीतिक दलों के गठन की व्यवस्था हमारे संविधान में कहां है? जो कांग्रेस बन गई, बीजेपी बन गई, बसपा बन गई, सपा बन गई, ये बन गई, वो बन गई, किस आर्टिकल के तहत? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने, निर्माण करने वालों ने तो राजनीतिक दलों के गठन की कभी कोई बात ही नहीं सोची थी। और उससे बड़ी बात क्या, नेता विरोधी दल संविधान में कहां है भाई? नेता विरोधी दल, अल्पमत पर सरकार को गिरा देना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां प्रोविजन है कि अल्पमत बहुमत वाली सरकार बनाएगा और उसके लिए इलेक्शन होंगे और फिर इसके बाद अलग अल्पमत हो जाता है तो एक वोट के अभाव में टिकट सरकार गिरा दी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां प्रोविजन है? जैसे कि शून्यकालीन सत्र को चलाना,
शून्यकालीन सत्र का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा मुझे तो नहीं मिला। जैसे कि संसदों के वेतन और भत्ते का निर्धारण स्वयं सांसद करेंगे, ये कहां है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। 1885 के गदर के बाद W.H. व्यूम ने एक 1600 पन्ने की एक थीसिस सबमिट की थी, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि भारत के अंदर दोबारा क्रांति ना हो इसके लिए मैं कुछ फार्मूले दे रहा हूं। पहला फार्मूला तो यह है कि सारे ब्रिटिश मानसिकता के लोगों को एक मंच पे लाके खड़ा कर लिया जाए और वह मंच राजनीतिक मंच हो, और उसी राजनीतिक मंच के तहत ब्रिटिश मानसिकता के लोगों को एक मंच पे लाने के लिए जिस पार्टी का गठन किया गया उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, जो आज कांग्रेस है। दूसरी बात, भारतीयों को बांटने के लिए धर्म, भाषा, क्षेत्र, जमींदार और किसान, पूंजीपति और श्रमिक, अमीर और गरीब, शिक्षित और अशिक्षित, हरिजन और सवर्ण के नाम पर समाज को बांट दो, इतने टुकड़े कर दो इसके कि ये कभी यूनाइट ना हो पाए, और जब ये यूनाइट नहीं होंगे तो क्रांति नहीं होगी, हमारा शासन चलता रहे। आज हमारी सरकार उसी पैटर्न पे चल रही, उसी तरीके से चल रही है। और जहां तक भारतीय नागरिकता अधिनियम में अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आ गया है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर पांडे जी, कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 30 दिसंबर 1990 तक जो भी व्यक्ति विश्व में कहीं भी पैदा हुआ हो, अगर उसके मां या बाप भारतीय नागरिकता प्राप्त है तो वह आदमी ऑटोमेटिक भारत का नागरिक हो जाएगा।